हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप लोग को फिर एक बार क्लास वन के बच्चों के लिए है हिंदी ग्रामर। फिर से हम एक बार इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, आप लोग को प्रत्येक दिन 2 पेज राइटिंग लिखना है, हिंदी राइटिंग। आप लोग को प्रत्येक दिन 2 पेज हिंदी राइटिंग लिखना है, और जो होमवर्क मिले उसको बनाकर ग्रुप में डाल दीजिए ताकि हम उसको देख लें। तो बच्चों आगे चलते हैं व्याकरण में। देखिए बच्चों, ये आपको होमवर्क में मिला था, ये आपको होमवर्क में मिला था। रह गया था आप लोगों को कराने के लिए क्या, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर। तो हम आपको पहले इसको करा देते हैं बुक में ही। कह रहे हैं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है। देखिए बच्चे, इसका आंसर इधर दिए हुए हैं। भाषा विचारों का अभिव्यक्ति का माध्यम है। देखिए भाषा विचारों का अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो हम लिखेंगे भाषा विचारों की, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का माध्यम है। देखिए विचारों कि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। पढ़ने और लिखने में क्या अंतर है, अब हम ये जानेंगे। कह रहा है पढ़ने और लिखने में क्या अंतर है, तो इधर चलिए देखते हैं। इधर भी दिया होगा इसका आंसर आप। देखिए पढ़कर हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। पढ़कर हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ नहीं आता, इसलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं और लिखकर हम अपनी मन की बात दूसरे को। बच्चों देखिए इसमें नहीं हट रहा, इसलिए हम इसको कॉपी में अप करने जा रहे हैं, क्योंकि तो इसमें आपको नहीं हट रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम कॉपी में इसको कर देते हैं यहाँ से। देखिए इसको छोड़िए, आप कॉपी में चलते हैं। देखिए कह रहा है एक हिंदी ग्रामर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है विचारों की अभिव्यक्ति
व्यक्ति का माध्यम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाषा। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये हो गया फर्स्ट आपका। अब सेकंड देखिए, पढ़ने और लिखने में क्या अंतर है? पढ़ने और लिखने में क्या अंतर है? पढ़कर हम एक दूसरे की भाषा की मन की बात समझ सकते हैं। और यहाँ से फिर और लिखकर हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते। थर्ड देखिए, थर्ड का आंसर क्या करें? भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियों के नाम लिखिए। भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, भारत में बोली जाने वाली भाषा जैसे होगी हरियाणवी, हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी आदि। ये सब जो है हमारे भारत में बोले जाने वाली क्या है? भाषा है। फोर क्वेश्चन देखिए, फोर कह रहा है बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र लिखिए। बोली जाने वाली भाषा को
अगर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइव में आते हैं। फाइव में करा फ्रेंच क्या है? फ्रेंच क्या है? तो इधर भी हमसे देख सकते हैं इसको, इधर देखते हैं फ्रेंच दिए हुए होगा। फ्रेंच लिखेंगे इसको हम, फ्रेंच एक भाषा है। फ्रेंच एक भाषा है, फ्रेंच क्या है? तो फ्रेंच एक भाषा है। चलिए फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो छोटा छोटा उसको हम भर देते हैं। करा फ्रेंच क्या है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रेंच एक भाषा है। बोली किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वाली भाषा को बोली कहते हैं। करा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। फिर करा भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियों के नाम लिखें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भारत में, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, भारत में बोली जाने वाली बोलियाँ बोलियों सॉरी बोलियाँ बोलियाँ या भाषा भी कह सकते हैं, हो गया हरियाणवी, हरियाणवी, गढ़वाली, भोजपुरी आदि हैं। बच्चों हम इसको भी सुधार के आपको कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों नहीं आता इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, काट दिए हैं इसका हम आंसर। यहाँ पे लिखने चाहे तो आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित, पहला देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कह रहा है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? कह रहा है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या, मैंने अपने मन की बात कहने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ है भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्यान से बच्चों देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, मैंने अपने जो मन में है उसको बताने का साधन क्या है, किस साधन से हम उसको अपने मन के बाद दूसरे को बताएंगे? तो कह रहा भाषा विचारों की, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, उसके बाद देखिए पढ़ने और लिखने में क्या अंतर है? करें पढ़ने और लिखने में क्या अंतर है? तो यहाँ देखिए पढ़कर हम एक दूसरे की मन की बात समझ सकते हैं और लिखकर हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई कुछ लिखता है, न्यूज आता है मेरे पाप के पास, तो उसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि वो क्या लिखा है, क्या कहाँ हुआ है, वो क्या कहना चाहता है। चिट्ठी आता है तो आप उसमें देखते हैं लिखा हुआ रहता है, तो उसको आप समझते हैं कि जो चिट्ठी जो भेजा है, लेटर जो भेजा है, वो क्या हमसे कहना चाहता है। उसी तरह पढ़कर हम एक दूसरे की मन की बात समझ सकते हैं। फिर है और फिर लिखकर हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते। लिखकर जो हुआ वो हो गया, जो हम अपनी मन की बात है
उसको हम समझा सकते हैं, लिख दिए और दूसरा जो व्यक्ति हुआ वो हमारी बात समझ सकता है। देखिए भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियों के नाम लिखें। देखिए ऐसे तो भारत की राष्ट्रभाषा जो हो गया वो हिंदी है, ऐसे जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। और यहाँ पे हिंदी इसलिए क्योंकि जिस देश में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है वह उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाता है। जिस देश में, जिस कंट्री में, उस जहाँ जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा जौन सी भाषा बोली जाती है उस देश की वह राष्ट्रभाषा हो जाती है। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। और भी लोग हैं जो अनेक तरह के भाषा बोलते हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी हो गया, हरियाणवी हो गया, गढ़वाली, भोजपुरी, तेलुगु और भी इत्यादि अनेक हैं जो हमारे देश में बोली जाती है, हमारे देश में बोलने वाली भाषा है। लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। उसके बाद कह रहे हैं बोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, माने सीमित, आपस में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। आपस में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या हो जाता है? एक ठो वो बोली हो जाती है। वही कह रहे हैं सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब देखिए फ्रेंच क्या है, यहाँ पे फ्रेंच क्या है, तो फ्रेंच एक भाषा है, फ्रेंच एक भाषा है। चलिए अब इसको भी हम आपको क्लियर कर देते, समझा देते हैं। जैसे भोजपुरी एक ठो भाषा हो गया, हरियाणवी एक ठो भाषा हो गया, पंजाबी एक ठो भाषा हुआ, उसी के फ्रेंच जो है ना ये भी एक क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है। ये भी कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं तो कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं तो कुछ तेलुगु बोलते हैं, उसी तरह फ्रेंच भी है एक, जो ये जो है एक भाषा है, इसको बोला जाता है, बोलते हैं लोग। बच्चों आपसे बोला, पूछा जाएगा कि फ्रेंच क्या, तो क्या बोलिएगा? फ्रेंच एक भाषा है। क्या? फ्रेंच एक भाषा है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। कोई पूछेगा फ्रेंच क्या, तो बोलिएगा आप फ्रेंच एक भाषा है। तो चलिए तो आपका हो गया। अब चलिए बुक में फिर से हम आते हैं, इसको आप बना के और सॉरी बना लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए बुक में फिर से हम आते हैं, ये आपका हो गया, यहाँ पे काटा हुआ बच्चों बुक में क्योंकि नहीं हटा था। देखिए गधा ये तो बोलता है, निम्नलिखित जंतुओं के नामों का उसकी बोली से मिलान कीजिए कि कौन सा जंतु है जो कैसा बोलता है। गधा जो है कैसे ढेंचू ढेंचू करता है, मेढक टर टर, तो आप सब जानते हैं। यहाँ पे हम देखिए रिक्त स्थान भरिए भी बनवाए थे आपको। भाषा क्या क्या है? भाषा के अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या? विचारों का। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो यहाँ पे कर भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। फिर एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्या एक सीमित क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बोली, बोली जो है वह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। विश्व में केवल ही ऐसा प्राणी जिसकी बोली बिल्कुल साफ है, ये आपको बताया था कि विश्व में सिर्फ मनुष्य ही, आदमी ही ऐसा प्राणी है जिसकी बोली बिल्कुल एकदम साफ है। यहाँ पे देखिए सही विकल्प पर टिक लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है अपने विचारों को हम अन्य व्यक्तियों तक किस प्रकार पहुँचाते हैं, अपने विचारों को हम अन्य व्यक्तियों तक किस प्रकार, लिखकर या पढ़कर, लिखकर या पढ़कर। अगर हम बोलेंगे तो हमारी बात समझेगा, अगर लिख भी देंगे तो वो पढ़ के क्या हमारी बात समझ लेगा, दोनों के द्वारा हम टिक लगा दें। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप लोग को बताएं हिंदी, तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। फिर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोली। इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिएगा और याद करके याद कर लीजिएगा। तो यह सब्जेक्ट में अब हम बंद करते हैं। बच्चों आप लोग दो पेज राइटिंग लिख के प्रत्येक दिन ग्रुप में डाल दीजिए ताकि आपका राइटिंग सुधर सके।